जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ जो मेरे छोटे भाई आने वाली वैकेंसी 2021 की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो उनको कौन सी फर्स्ट चॉइस है वो भरनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके फॉर्म 25 मार्च 2021 से भरे जाएंगे। तो जितने भी जो नए बंदे हैं जो तैयारी करने वाले हैं, उनको कौन कौन सी पोस्ट फर्स्ट परफॉर्मेंस में लिखनी है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में ये पछताते हैं कि काश मैं ये फोर्स भर लेता, काश मैं ये फोर्स भर लेता, या मेरे नंबर इतने ज़्यादा है मुझे इस फोर्स में जाना चाहिए था, तो फिर बाद में फेरबदल नहीं होता। एक बार अगर आपने फॉर्म में जो चीज़ भर दी है फर्स्ट जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, तो वो फिर उसी हिसाब से आपको बाद में पोस्ट मिलेगी। तो ध्यान रखें कि कौन सी पोस्ट पहले भरनी चाहिए और कौन सी लास्ट में। ऐसे जेडी में जितनी भी वैकेंसी है उनमें से आपकी फर्स्ट चॉइस क्या, अब बात करते हैं कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए। फर्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये CBI की तरह काम करती है, जैसा कि आप देख रहे हो ये CBI की तरह काम करती है। कोई बहुत ही अच्छा जॉब है इन्वेस्टिगेशन, ये मतलब ब्रिलियंट जॉब है। SSGD के द्वारा ये जो अर्धसैनिक बल के रूप में काम करता है, ये बहुत ही ब्रिलियंट जॉब है और बहुत ही अच्छा जॉब है। छोटी फोर्स है लेकिन बहुत ही गजब का जॉब है ये। तो दोस्तों अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप NIA की सीट पे लिए दावेदारी ज़रूर करना। तो इस बात पर ध्यान रखना कि फर्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए NIA, सेकेंड SFF सिक्योरिटी फ्रंटियर फोर्स। ये दोस्तों स्पेशली बनाई गई थी वैसे तो चीन छापामार युद्धपत्ति के लिए, साथ में चीन से संबंधित स्पेशल जो सूचनाएं होते हैं उनको एकत्रित करने के लिए। इसकी ये भी बहुत छोटी वैकेंसी 10,000 के आसपास की, मतलब पूरी फोर्स है, लेकिन ये भी बहुत शानदार फोर्स है। अगर इसमें भी आप अगर ज्वाइन करते हो तो ये भी मतलब शानदार काम करती है और बहुत ही अच्छी फोर्स है। तो आपकी फर्स्ट ऊपर वाली जो चॉइस है वो NIA होनी चाहिए, उसके बाद में SSF, ये सेकेंड SFF सिक्योरिटी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होनी चाहिए। ये भी अच्छे, मतलब इसके लिए आपको नंबर 90+ ही लाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ये दोनों फोर्स 90 के अबव ही मिलती है। हाँ, फिर आपका पेपर अगर डिफिकल्ट हुआ लेकिन फिर भी आपके हाईएस्ट नंबरिंग होनी चाहिए तभी ये फोर्सें मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत इंटेलिजेंट वाला जॉब है। और ये जो SFF है ये बिल्कुल रॉ की एक शाखा है, जो आपका भारत का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है रो, उसकी एक शाखा है। तो उसमें काम करने का तजुर्बा आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगर CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, आसाम राइफल, इनमें से आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें से पहली बात तो आप पे होनी चाहिए कि आप इनमें से कौन सी फोर्स में जाना चाहते हो, आपके क्या टारगेट है, आपका मतलब क्या लक्ष्य है, आप कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, आपको किसकी वर्दी अच्छी लगती है, किसकी ड्यूटीज अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने सभी इन फोर्स के अलग से वीडियो बना रखे हैं कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, इनके काम क्या होते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं। इनके वीडियो मैंने बना रखे हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके इन सभी फोर्स के बारे में वीडियो देख सकते हो कि इनका काम कैसा होता है, कौन सी फोर्स, कंपेरिजन भी कर रखा है कौन सी फोर्स का क्या काम होता है। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको यहाँ से आइडिया दूँ कि आपको फॉर्म भरना था किसका, तो सबसे पहले आप भर सकते हो CISF या असम राइफल में से। CISF या असम राइफल आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है, सेकेंड BSF या CRPF हो सकती है, या SSB हो सकती है, और ITBP। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट चॉइस चूज़ करते हो तो आपकी CISF या असम राइफल हो सकती है। आपको पता असम राइफल में आर्मी की कैंटीन सुविधाएं मिलती है, ये पहला पूर्ण रूप से पैरामिलिट्री फोर्स है, तो इसमें आर्मी की जो सुविधाएं हैं वो भी मिलती है। आपको आर्मी की वर्दी पहनने का कईयों को जो शौक होता है, जो आर्मी की वैकेंसी में नहीं लग पाते, तो उनके लिए अच्छी है। बाकी CISF है, आपको पता है CISF की जो ड्यूटी है वो इंडस्ट्रियल एरिया में और कम रिस्क वाली ड्यूटी होती है, तो इसलिए आपकी फर्स्ट चॉइस CISF या ये असम राइफल हो सकती है। इसके बाद में SSB, BSF, CRPF या ITBP, इनमें से इन फोर्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं स्पेशली, वो देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी फोर्स में इनमें से जाना चाहिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।